आप सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, शेयर करें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देने जा रहा हूं। आप सभी से निवेदन है, फटाफट शेयर करें ताकि लोग जुड़ जाए। ये करौली और जोधपुर में लगी आग धीरे धीरे हमारे बाड़मेर में प्रवेश कर दी है। गहलोत सरकार जिस तरह से इनका हौसला अफजाई करने में लगी हुई है, गहलोत सरकार जिस तरह से इनको प्रोत्साहित करने में लगी हुई है, उसकी जिम्मेवारी ये लोग बेखूबी अच्छी तरीके से निभा रही है। गहलोत सरकार का मिशन पूरा कर रही है। आज बाड़मेर जिले की शिव तहसील की एक घटना है, आज की तुरंत ताज़ी घटना मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप सब हैरान हो जाएंगे मित्रों कि हो क्या रहा है इस देश में। शेयर करें, एक बार लोगों तक पहुँचाए, ये बातें लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है दोस्तों। शेयर करें, ये बातें लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। आप सभी से निवेदन है, शेयर करें, थोड़े शेयर करें और लोगों को जोड़े। आज बाड़मेर की एक घटना बताने जा रहा हूं मैं आपको, आप सब हैरान हो जाएंगे दोस्तों। इन जिहादी मानसिकता के लोग किस हद तक उतर आए हैं, इनके हौसले कितने बुलंद है। ये छोटी सी घटना है, पर आपको बताने का मेरा कारण ये है कि इनके हौसले देखिए आप, इनके हौसले कितने बुलंद है। और राजस्थान सरकार खुद इनकी हौसला अफजाई कर रही है, राजस्थान सरकार खुद इनको प्रोत्साहित कर रही है, इसलिए ये लोग टाबरों ने अगले जाए को करें गल जाए मंद दे। मतलब राजस्थान सरकार खुद इनका हौसला अफजाई करने में लगी हुई है। आप सोचिए, आज की मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ। बाड़मेर जिले की शिव तहसील में एक बीसू गांव है, उस गांव में हिंदुओं के लगभग 1000 से ज़्यादा घर है। होता क्या है, दो हिंदू भाई अपनी गाड़ी लेकर के जा रहे थे, सामने से एक मुसलमान चारे की झाल लेकर के, चारे की झाल गाड़ी में भर करके सामने से आ रहा था। आप ध्यानपूर्वक सुनिए, पूरी घटना को विस्तार से सुनिए और शेयर करें प्लीज़। 100 लोग जुड़े हैं, आप एक बार शेयर ज़रूर करें ताकि 200-400 लोग और जुड़ सके। ऐसी बातें प्रत्येक हिंदू तक पहुंचना ज़रूरी है, लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है। दो हिंदू अपनी गाड़ी में से जा रहे थे और सामने से एक मुसलमान सारे की जाल भर करके आ रहा था। तो सारे की जो जाल होती है वो हम सबको पता है, गाड़ी से दोनों तरफ बाहर निकली हुई होती है, यानी पूरी रोड जाम हो जाती है। जब सारे की जाल की गाड़ी रोड पे चलती है तो पूरी रोड को कवर कर देती है। तो सामने से जैसे वो सारे की जाल आ रही थी तो हिंदुओं ने गाड़ी अपनी गाड़ी खड़ी करी, खड़ी करके उस भाई को बोला कि थोड़ी गाड़ी रोड से नीचे उतार ताकि हम निकल सके। तो वो अपनी जिद पे अड़ गया कि मैं गाड़ी नीचे नहीं उतारूंगा, आप अपनी गाड़ी नीचे उतार दो। तो उनके पास छोटी गाड़ी थी, उन्होंने बोला भाई हमारे पास छोटी गाड़ी है, हमारी गाड़ी नीचे नहीं उतर पाएगी, तो थोड़ी साइड में ले ले ताकि हम साइड में से निकल जाएंगे। तो वो अपनी मुसलमान अपनी जिद पे अड़ गया कि मैं नीचे नहीं उतारूंगा। ऐसे करके उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कहासुनी हुई, आपस में तू तू मैं हुई, ज़्यादा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, ना किसी के साथ कोई मारपीट हुई, थोड़ी बहुत कहासुनी हुई, आपस में तू तू मैं हुई। उसके बाद वो जो हिंदू थे वो अपने घर चले गए और जो मुस्लिम था उसने अपने घर पे अपने गांव पे फोन करके लोगों को बोला कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप आओ। तो वहाँ से लगभग 100-150 की संख्या में लोग गाड़ियों में इकट्ठा होकर के बीसू आए।
उनके गांव में आए, उसके मेरे पास वीडियो है, मैं आपको बताता हूं। उसके मेरे पास वीडियो है, उनके गांव में आए, गांव में आकर के उन दोनों के साथ मारपीट करी। अब उनका हौसला देखिए, जिस गांव में हमारे 1000 घर है, उस गांव में वो 100-150 की संख्या में गाड़ियां भर करके आए और उन दोनों के ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तब उन हिंदुओं ने शिव थाने में आकर के एफआईआर दर्ज करवाई, मुकदमा दर्ज करवाया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जैसे ही पुलिस उन मुस्लिम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए गई, पुलिस गिरफ्तार करने के लिए गई, तब आपको आश्चर्य होगा मित्रों, जो आदमी थे वो जाकर के कहीं चुप गए और उनके घर की औरतों को बोल दिया कि पुलिस आए तो पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाओ, पुलिस को बाटे मारो। और जैसे पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए गई तो महिलाओं ने सामने आकर के उनके ऊपर, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मारे। ये आज की घटना है। पहले मैं इस घटना के एक दो वीडियो है छोटे छोटे आपको दिखा देता हूं, उसके बाद आगे की बात करूंगा। आप वीडियो देखिए, ये पहला वीडियो आप देखिए, ये गाड़ी में भर करके आई है। ये वीडियो है, इसमें महिलाएं पुलिस के ऊपर पत्थर मारती, महिलाएं उन्हें देखिए। वीडियो देखे आपने, यानी मामूली कहासुनी के कारण 100-150-200 की संख्या में गाड़ियां भर करके हमला करने के लिए आना। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, राजस्थान सरकार ने करौली दंगे में जिस तरह से दंगाइयों के ऊपर कार्रवाई ना करी, दंगाइयों को बरी कर दिया और उसके बाद दंगाइयों को सहायता राशि दी। राजस्थान सरकार ने करौली में जो दंगा हुआ, उस दंगे के जो दंगाई थे उन दंगाइयों को सहायता राशि दी गई। उसके बाद 2 दिन पहले जोधपुर में दंगा हुआ और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी आकर के बयान देते हैं कि ये कोई दंगा नहीं था, ये तो सुटपुट घटना थी। और जिन दंगाइयों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, पुलिस ने अपना फर्ज निभाया, मेहनत करके दंगाइयों को गिरफ्तार किया, लेकिन राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने रात को 2 बजे तक कोर्ट खुला रखवाया दंगाइयों के लिए। आप सोचिए दोस्तों, इनको हौसला कहाँ से मिलता है, मैं ये बता रहा हूँ। यानी आपके 1000 घर है, जिस गांव में आपके 1000 घर है, उस गांव में ये 100-150 लोग हमला करने के लिए आते हैं, ये हौसला कहाँ से मिलता है, ये ताकत कहाँ से मिलती है, सोचिए आप। कि जब जोधपुर में दंगा हुआ, उस वक्त
जोधपुर के जो दंगाई थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने रात को 2 बजे तक कोर्ट खुला रखवाया और रात को 2 बजे तक कोर्ट खुला रखवा कर उनकी जमानतें कराई, उनको रिहा करवाया दंगाइयों को। रात को 2 बजे तक कोर्ट खुला रख करके उनको रिहा करवाया, उनकी जमानत करवाई, उनको बरी करवाया। और इस तरह से दंगाइयों की पैरवी में जब सरकार खड़ी हो जाती है, दंगाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए जब सरकार खड़ी हो जाती है, पीड़ितों की मदद करने के बजाय सहायता राशि सरकार की ओर से दंगाइयों को दी जाती है, तब इनका हौसला और बुलंद होता है और ये लोग मामूली सी कहासुनी को बहुत बड़े दंगे में बदलने का प्रयास करते हैं और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर के एक गांव के अंदर हमला करने के लिए आते हैं। और राजस्थान सरकार ये चाहती है इस तरह से हमले हो हिंदुओं पर, ताकि हमारा मुस्लिम वोट बैंक जो हमसे डिवाइड हुआ है वो धीरे धीरे पुनः हमारी तरफ एकत्रित हो जाए। मेरे सनातनी भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, जगने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की आवश्यकता है। जातियों में जो आप बंटे हुए हो, इसी का नाजायज़ फायदा विरोधी ताकतें उठा रही है। नहीं जगे तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ही भयानक समय होगा। इसलिए बस मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से एक ही निवेदन है।